हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 16। पेज नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इन द गिवन फिगर थ्री चार्जेस इडेंटिकल, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सिचुएटेड एट कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, वह ट्रायंगल है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल समझे, हर एक एंगल होगा 60 डिग्री, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इज इक्वल है, हर एक एंगल 60 है, ईच साइड गिवन है, कोई डिस्टेंस नहीं गिवन, तीनों चार्जेस इक्वल है। आप पॉइंट ए है, इतने चार्ज है क्यू, आ वाला कॉर्नर है बी, इतने चार्ज है क्यू, तीसरा कॉर्नर है सी, इतने वो चार्ज है क्यू। सो थ्री कॉर्नर्स है, तीन चार्जेस इक्वल है क्यू क्यू क्यू, इक्वल ट्रायंगल। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, जरा सेंट्रल पॉइंट ओ है, आ वाला सेंट्रल पॉइंट को, इस पॉइंट पे फाइंड करना है रिजल्टेंट फील्ड। डिस्टेंस के लिए क्या गिवन है, आर आर आर, आर डिस्टेंस आर गिवन है, उसके बाद आर डिस्टेंस आर गिवन है, आर डिस्टेंस आधा का क्वेश्चन है, आर डायग्राम गिवन है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीन कॉर्नर है, हर एक पे चार्ज सेम है क्यू प्लस, मतलब क्यू भी मैग्नीट्यूड सारा सारे सेम ही है, ये सारे प्लस दे सारे माइनस दे, उन्हें कुछ भी नहीं देता था, प्लस है, तीनों चार्जेस है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तीनों कॉर्नर पे है, अगर सेंटर ओ है, सारे डिस्टेंस आर 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 है, इतने टोटल फील्ड करना, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ, टोटल फील्ड इतने टोटल फील्ड कितना कितना हो सकता है देखेंगे। टोटल फील्ड एट ओ, एक ड्यू टू चार्ज एट ए, एक ड्यू टू चार्ज एट बी, एक ड्यू टू चार्ज एट सी, एक चार्ज एट ए पे फील्ड लगाएगा, एक बी लगाएगा, एक सी लगाएगा, तीन फील्ड आ गए, हम देखेंगे कितना है। हम प्लस द फील्ड है, हम देखो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तीन चार्जेस सेम है, तीनों का डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होंगे, इसका मतलब EA is equal to EB is equal to EC, all the three fields must be equal, क्योंकि तीनों का चार्ज सेम है, तीनों का डिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि तीनों फील्ड बराबर ही है। कौन आगे गल डायरेक्शन भी वो देखते हैं। हाँ जी, टोटल एंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल कितना होता है 60, ईच एंगल इज 60, जब एफ देखे तो 30 30 बन गया, सो आ एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, अभी एंगल हो गया 30, टोटल एंगल 60 60 60 है, टोटल 60 है तो हाफ 30 30 हो गया, अभी 30 अभी 30, और अभी तो एक ट्रायंगल ही बन गई, एक ट्रायंगल दे तीन एंगल दे सम 180, 30 30 30 और 30 60, तो पूरा एंगल वाला कितना बन गया 1, कर रहे हैं आ एंगल 30 अभी 30, टोटल 60 60 60 है, 30 तो 30 30 30 60, जे 60 है तो बाकी कितना रह गया 120, टोटल 180, अब 120 एक जेड नंबर यूज करेंगे ना, हम समझिए यही मैं कह रहा हूं, प्लस द चार्ज एथो प्लस द फील्ड लगेगा अपने, तो अभी सो जेड़ा ई सी है प्लस द फील्ड अपने तो रेडियली आउट, प्लस द फील्ड है अपने तो है रेडियली आउटवर्ड्स, समझ गए, अभी प्लस द चार्ज है, प्लस द फील्ड अपने तो रेडियली आउटवर्ड्स, एक रा फील्ड हो गया ई बी, प्लस द फील्ड अपने तो अवे रेडियली आउटवर्ड, प्लस द फील्ड अपने तो अवे रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, हम ए भी प्लस है, जिया एंगल 120 अभी कितना हो जाएगा 120, जी एंगल 120 का भी कितना हो गया 120 डिग्री, आ एंगल 120 का भी, आ 120 का भी कितना हो गया 120, प्लस द फील्ड अभी प्लस द फील्ड अभी, हम तीसरे एंगल की गल करो, तीसरा फील्ड प्लस द फील्ड, प्लस द फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड,
प्लस द फील्ड रेडियली आउटवर्ड प्लस द फील्ड रेडियली आउटवर्ड प्लस द फील्ड रेडियली आउटवर्ड होने ना तीनों का रिजल्टेंट कितना कर दूंगा तो मुश्किल आ जानी। इस करके पहले ना दोनों का रिजल्टेंट कर दो ई सी ते ई ई बी ते ई सी उन्हें कितना एंगल है दोनों 120 डिग्री कंप्लीट द पैरेललोग्राम रिजल्टेंट कौन देगा डायगोनल इन मतलब ई डैश ई सी ते ई बी ईसी और ईबी कितना एंगल है 120 कंप्लीट द पैरेललोग्राम कंप्लीट द पैरेललोग्राम दोनों साइड एडजेसेंट कंप्लीट द पैरेललोग्राम दोनों साइड एडजेसेंट दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा डायगोनल ई डैश तो ई डैश का फार्मूला अंडर रूट ऑफ ईबी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर प्लस 2 ईबी ईसी cos थीटा थीटा दोनों कितना है 120 a square plus b square plus 2ab cos theta now eb is equal to ec both are equal to ea eb और ec बराबर है दोनों के लिए बराबर है ea eb ते ec बराबर है they are equal to ea so ना ea fill कर दें ea square plus ea square plus 2ea square cos 120 minus 1 EB और EC दोनों बराबर है they are equal to EA EB EC बराबर है दोनों EA बराबर है EA 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 into EA EA square cos 120 minus 1 by 2 2 EA square और 2 ना 2 कट गए minus EA square EA square plus EA square 2 EA square 2 ना 2 कट गए minus EA square आई क्वेश्चन ऐसी a square plus b square plus 2ab cos theta theta 120 है cos 120 minus 1 by 2 eb ec बराबर है both are equal to ea 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 into a ea so 2 minus 1 1 under root of ea square 2 चो 1 कटा है 2 e square minus e square 1 e square ea square ea square तो under root की रहे हैं ES के डायरेक्ट की रहेगा ES व्हाट इज ई डैश की और ये ना दोनों का रिजल्टेंट की है ई डैश ये ना दोनों का रिजल्टेंट है ई डैश एक फील्ड रहेगा ई है दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट सब पॉइंट को की गल करो हम दो फील्ड रह गए एक ई डैश एक ई ये ना दोनों का रिजल्ट ये ना दोनों का रिजल्टेंट की है ई डैश ये ना दोनों का रिजल्टेंट है ई डैश एक का ई है हम ओ पॉइंट का रिजल्टेंट फील्ड की है दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट व्हाट इज रिजल्टेंट फील्ड ई डैश रिजल्टेंट फील्ड की ऑपोजिट है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है रिजल्टेंट फील्ड की है उच्चो घटा दो ये जो घटा दो बट ई डैश इज इक्वल टू ई ए सो व्हाट इज ई ए माइनस ई ए जीरो ये ना दोनों का रिजल्टेंट है ई डैश ते आ सी ई हम ओ पॉइंट ना दोनों का रिजल्टेंट रह गया इना दोनों का रिजल्ट ऑपोजिट है इच घटा था चाहे जितो मर्जी घटा लो इच घटा दो अब तो आड़ी मर्जी है रिजल्टेंट फील्ड की है दोनों का डिफरेंस क्योंकि दोनों की डायरेक्शन है ऑपोजिट रिजल्टेंट फील्ड के होगा दोनों का डिफरेंस बट ई डैश इज इक्वल टू ई ए ई ए माइनस ई ए जीरो सो व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट ओ जीरो जिना ट्रायंगल दा सेंट्रोइड बनया इस ट्रायंगल दा सेंट्रोइड है ये दो पर रिजल्टेंट फील्ड कितना है जीरो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नु चंगी तरह पढ़ियो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स आ सकता है सो रिजल्टेंट फील्ड एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी जीरो ओके okay?